कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट सेक्टर एफ़ में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज़ ए सेकेंड वीक ऑफ फेबर 2024 इस वीडियो में आपको सेक्टर एफ़ के बारे में जो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले कि सेक्टर एफ़ में किन साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं नंबर वन नंबर टू एक मार्केट में र्यूमर है कि सेक्टर एफ़ में कुछ प्लॉट्स की लोकेशन चेंज हो रही है तो उसमें कितनी सदाकत है वो भी एक्सप्लेन करूंगा एंड नंबर थ्री कि जिन मेंबर्स ने सेक्टर एफ में बारह मरला के विलास बुक करवाए थे उन विलास पर कंस्ट्रक्शन की आज की डेट में क्या अपडेट है एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के सेक्टर एफ का कितना पार्ट है जो लिडिकेटेड है कितना पार्ट है जो क्लियर हो गया है इसके हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे सब पहले बात करें अगर आपने सेक्टर ए बी सी डी ई की वीडियो देखनी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे अपडेटेड वीडियो जनवरी और फेबर की और इसके साथ साथ अगर आपने प्राइम वन की वीडियोज देखनी हो तो उसके लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के हवाले से जितनी भी अपडेट आपको वक्त मिल सके सबसे पहले जी सेक्टर एफ जो है वो उसकी लोकेशन कहां है? सेक्टर एफ अगर बात करें जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का पहला इंटरचेंज बनाया गया था मास्टर प्लान में उससे नियरेस्ट सबसे पहले ब्लॉक था सेक्टर एफ़ आता था, था तो उसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा प्राइम थी लेकिन बाद में इंटरचेंज की लोकेशन रिवाइज़ होगी और नई लोकेशन जो है वो 332, 333 जो मोटरवे पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे चलेगी जो भी डॉक्टर एंड क्लेव के साथ आती है इसलिए सेक्टर एफ़ में उस तरह से अभी उसके बाद सेक्टर एफ़ की सोसाइटी ने कोई तोज्जा नहीं दी और जाहिर सी बात है कि मार्केट के रीसेल में भी उसके एसच को प्रेफरेंस नहीं रही कि सेक्टर एफ़ में लोग इन्वेस्ट करें लेकिन फिर भी सेक्टर एफ़ की अगर देखा जाए तो अभी भी आज की डेट में बहुत ही अच्छी लोकेशन है टर्म्स ऑफ कि उसकी आसपास जो है नेबरहुड जो है वो मोस्टली ओपन है और फैसल टाउन फेज टू के साथ वो वॉल टू वॉल कनेक्टेड है तो इस लिहाज से सेक्टर से एफ की वैल्यू थोड़ी अच्छी बन जाती है कि आने वाले दिनों में जब फैसल टाउन फेज़ टू में डेवलपमेंट होगी तो जाहिर सी बात है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज जो मिलेगा क्योंकि वहाँ जो रोड्स आएंगे उसका एडवांटेज एफ को मिलेगा तो एफ़ के थ्रू आप अगर फैसल टाउन फेज़ टू में एंटर होते हैं तो वहाँ से ठलिया रोड पर एग्जेट लेकर ठल्लिया इंटरचेन पर एग्जिट लेकर आप मोटरवे पर पहले पहुंच सकते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इन यानी केस अभी देखा जाए सेक्टर एफ में तो इस वक्त डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बारह मरला प्लाट और जो पाँच मरला प्लाट्स हैं उन पर हो रही है बाकी जो सेक्टर एफ के दूसरे एरियाज़ हैं जैसे सात मरला प्लाट है वहाँ पर अभी तक जो है वो लिटिगेशन है और वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में सोसाइटी वहाँ पर उसकी प्लाट्स को कहीं और शिफ्ट करने वाली है मोस्ट प्रोबली ओवरसीज सेंट्रल में उनको शिफ्ट किया जाएगा और ओवरसीज सेंट्रल में जब शिफ्ट किया जाएगा तो उनके उसी पेमेंट प्लान पे यानी वही कॉस्ट ऑफ लैंड और वही डेवलपमेंट चार्जेस के साथ जो पच्चीस नब्बे का पेमेंट प्लान था और जो डेवलपमेंट चार्जेस साढ़े आठ लाख रुपए के उसी के हिसाब से आठ लाख रुपए या साढ़े आठ लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस थे उसी के हिसाब से मेबर्स को वहां पर अकोमोडेट किया जाएगा तो ये आने वाले दिनों में आपको न्यूज सुनने को मिलेगी कि सेक्टर एफ के बारे में सोसाइटी ने न्यू लोकेशन जो है वो कहां पर वील करनी है ओवरसीज से सेंट्रल का मास्टर प्लान चेंज भी किया जा रहा है उसमें जब चेंजेस आएंगे तो इनशा मैं उसके वाले से सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर एफ को लेके वो ये है कि सेक्टर एफ में सोसाइटी की तरफ से बारह मरला और सात मरला के प्लाट्स दिए गए थे और किसी ब्लॉक में बारह मरला और सात मरला के प्लाट्स नहीं थे सात मरला के प्लॉट्स कुछ थे सेक्टर एच पे जिसमें वहाँ पे विलाज बनाए जा रहे हैं लेकिन बारह मरला के प्लॉट सोसाइटी की तरफ से कहीं भी नहीं थे सिर्फ डेडिकेटेड ब्लॉक जो था वो सेक्टर एफ था और सेक्टर एल था एल फॉर लाहौर और के, सेक्टर एफ फॉर फॉरनर अब जो ये दोनों ब्लॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं इनमें एल ब्लॉक को तो पहले ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उसके जितने मेम्बर्स हैं उनको वैसे सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया एफ ब्लॉक बाकी था तो एफ ब्लॉक में जो पाँच मरला और बारह मरला वाली कैटेगरी की कटिंग है जो मैं आप आगे जाके मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ उनकी लैंड तो सोसाइटी ने प्रिक्योर कर ली इनफैक्ट आपको साइड पे भी आपके सामने बनते हुए अप्रॉक्सीमेट नंबर अगर काउंट किया जाए विलाज का तो तकरीबन होंगे चौदह से पंद्रह विलाज होंगे जो भी बन रहे हैं साइट पर इस पे काम किया जा रहा है लेकिन पाँच मल्ला वाले जो प्लॉट थे वो भी सारे तकरीबन उनकी लैंड क्लियर हो गई अब जो सात मरला वाले प्लॉट थे वो सारे के सारे लिटिगेशन में आ गए यानी उसकी लैंड जो है वो बेसिकली शायद फैसल डाउन फेस टू ने प्रक्योर कर ली मैं गूगल अर्थ मैं पे आगे मैप पर दिखाता हूँ बल्कि इसी वीडियो में आगे जाके मैं फुटेज भी दिखाता हूँ कि जहाँ पर फैसल डाउन ने लैंड की प्रिक्योरमेंट कर रखी है अब एफ ब्लॉक में दो पार्ट में डिवाइडेड था एक पार्ट में सेंटर में एक वाटर बॉडी थी और वाटर बॉडी के लेफ्ट साइड पे जो था वो पहले था पांच मल्ला और बारह मल्ला की कटिंग्स थी और वाटर बॉडी के राइट साइड पे आपकी बनती थी सात मरला की कटिंग

इंटरचेंज यूज करने की इजाजत मिल जाए और कैपिटल स्मार्टी के मेंबर्स जो हैं वो फैसल टाउन के थ्रू कम्यूट करते ठलियाँ इंटरचेंज की तरफ जा सके बट ये प्रोबेबिलिटी है ये कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि फैसल टाउन फेज टू कैपिटल स्मार्ट स्मार्टी एटलीस्ट छः से सात साल पीछे है क्यों पीछे है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इस टाइम पचास हज़ार कनाल रकबा एचुरल जैसी कंपनी ने डेवलप किया और जिस स्पीड से डेवलप किया है वो आपके सामने है कि यहाँ पे कोरोना हो यहाँ पे कोविड हो इलेक्शन के मसले हो धरने चल रहे हों कुछ भी हो साइड पर काम नहीं रुकता जहाँ पर जमीन मौजूद है ऑफकोर्स लेकिन यहाँ पर फैसल टाउन ने अभी लॉन्चिंग की है चौधरी मजीद साहब का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट तो जाहिर सी बात है वो भी जब डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ पे फैसल टाउन और जो फैसल साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी है दोनों की वजह से यहां पे एक नया शहर बोल के बहुत बड़ा शहर शायद रावलपिंडी इस्लामाबाद से बहुत बड़ा शहर यहां पे तैयार होगा तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो मेंबर्स हैं जिनके सात मरला के प्लाट्स से सेक्टर एफ में उनको अपने प्लाट के एडजस्टमेंट अगेंस्ट की किसी जगह प्लाट मिल जाए ताकि वो अपने प्लाट पर कंस्ट्रक्शन करके अपने घर को आबाद कर सकें तो ये ओवरऑल फैसल टाउन फेज टू को लेकर अपडेट थी और सॉरी कैपिटल स्मार्टी को अपडेट थी और जो फैसल टाउन ने बीच में जमीन ली है वो उसको लेके अपडेट थी कि फैसल टाउन ने सात मल्ला वाली जो एफ सेक्टर की ज़मीनें हैं जो मैं मैं आपको दिखाता हूँ वो इनसे ऑलरेडी प्रक्योर कर लिए हैं इस वक्त मैं स्क्रीन पर कैपिटल स्मार्टी का मास्टर प्लान देखते हैं मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो है वो इस सेक्टर को लेकर है इस डिस्ट्रिक्ट को वर्ष इस ईस्ट का ये डिस्ट्रिक्ट है इसमें आगे ये सेक्टर एफ आता है सेक्टर एफ की अगर हम बात करें सेक्टर एफ को ये मैं इससे पहले सेक्टर एफ पे जाऊं मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूं सेक्टर एफ की जो मोस्टली पार्ट जो कैपिटल स्मार्टी से अब जा चुकी है वो ये वाला साइड बनती है ये जो वाटर बॉडी के साथ ऑपोजिट साइड पे फैसल टोन टू का मैप नजर आ रहा है जहाँ पे दोनों मैप्स आपस में कोलाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट बनता है और ये जो इनका मेन रोड है ये जाके आगे जाके से चार सौ रोड से कनेक्ट कर दिए लेकिन लेट्स सी आगे जाके क्या होता है अभी इसे डिस्कस करते हैं कैपिटल स्मार्टिटी का मास्टर प्लान बल्कि मास्टर प्लान को मैं ख़त्म करता हूँ सिर्फ मैं आता तो ओवरसीज़ एफ़ के मास्टर प्लान पे अच्छा जी ये ओवरसीज़ एफ है ओवरसीज ईज सेक्टर एफ़ है इसमें पाँच मरला पच्चीस पचास सात मरला तीस तिरपन और बारामला चालीस बाय अड़सठ के प्लाट हैं अब ये जो बारामला के ब्राउन बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इस उसमें विलाजी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो अभी आपने फजिकली स्क्रीन पर देखी भी है मैं इसको लाइट करता हूँ लेकिन अभी गूगल पर इमेजेस अपडेट नहीं हुई जब अपडेट होंगी तो इंशाल्लाह मैं उस से अपडेट कर दूंगा लिटिगेशन की बात करें तो ये पाँच मला के सारी साइड्स क्लियर हैं जिसमें पाँच मला में स्ट्रीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेन फाइफ है उसके अलावा आपकी अजीज़ भट्टी रोड है उसके अलावा स्ट्रीट वन है स्ट्रीट फाइव है सॉरी स्ट्रीट सिक्स है ये डेवलप्ड है मतलब लैंड क्लियर है इसकी उसके बाद पार्क किस तरफ आ जाए आपको तो आपको लेन वन मिलती है फिर लेन टू मिलती है फिर लेन थ्री मिलती है लेन फोर मिलती है और लेन स्ट्रीट फोर स्ट्रीट थ्री स्ट्रीट टू मिलती है ये सारा एरिया भी डिवेलप्ड है अब जो एरिया जो अभी कैपिटल स्मार्ट के पास नहीं रहा वो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा ये जो वाटर बॉडी के उस तरफ है कैपिटल स्मार्टी का एरिया ये अब कैपिटल स्मार्टी के पास नहीं है ये एरिया पे आप देख नजर आ रहा होगा आपको ये फैसल टाउन ने प्रिक्योरमेंट करके यहाँ पे डिगिंग करके अपने लैंड को मतलब बता भी दिया कि हमारी ये लैंड है लेकिन मे भी शायद कैपिटल स्मार्ट मार्केट दोबारा एडजस्टमेंट कर लें उनसे लेट्स सी आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो भी होगा जहां सी बात है मैं आने वाले दिनों में अपडेट कर दूँगा राइट नाम डिस्कस करेंगे पाँच मल्ला और बारह मल्ला के ब्लॉक्स को बाकी जो एरिया वो मैंने बता दिया है अभी सोसाइटी के पास नहीं है इसमें एक स्ट्रीट आती है सत मल्ला के जिसमें स्ट्रीट फोर है और पार्क रोड वेस्ट है अब पार्क रोड वेस्ट और स्ट्रीट फोर जो है इनमें देखा जाए तो आपको पहले मैं बताता हूँ प्लाट्स लेथ थ्री में जितने प्लॉट्स हैं प्लॉट नंबर नाइन से लेके प्लॉट नंबर ट्वेंटी फाइव लें थ्री में प्लॉट नंबर वन से लेके प्लॉट नंबर ट्वेंटी फाइव सारे के सारे डेवलप्ड हैं सारे के सारे इन सेंस कि इनकी लैंड बिल्कुल क्लियर है नीचे प्रॉपर कटिंग का काम हो रहा है उसकी लैंड बड़ी अच्छी है नो डाउट कि मतलब बड़ी कटिंग वाली लैंड है यहाँ पर फिलिंग वाला सन्ैरी बन नहीं सकता क्योंकि जमीन बड़ी पथरीली जमीन है और उसकी यहाँ पर सोसाइटी कटाई कर रही है प्लाट नंबर वन से लेके प्लाट नंबर सिक्सटीन तक ये जो मेन रोड बनता है इस रोड के जो प्लाट्स हैं वो भी अभी सोसाइटी की तरफ से डेवलप किए जा रहे हैं वैसे ये मेन रोड सिर्फ यहीं पर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा यहाँ भी थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है एच के सामने एच के सामने बाकी जगह पे तो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करता ये देख लें ये मेन रोड है बाकी इस तरह भी थोड़ा सा बना हुआ है और आगे नहीं आगे नहीं बना हुआ आगे ये जब क्लियर होगी के ब्लॉक लैंड तब बनेगा फिलहाल जो है ये ये एरिया जो सेक्टर एफ का आता है गूगल पे मुझे अपडेट नहीं है तो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा लेकिन एनी केस ये वाला जो पार्ट बनता है अब अगर सात मरला को निकाल दें तो पीछे कोई भी ऐसा एरिया नहीं बनता मेरे हल में एक इंच भी ज़मीन नहीं बनती होगी जो लिटिगेशन में हो सारी के सारी लैंड क्लियर है सेक्टर एफ़ की सात मरला का अगर स्ट्रीट फोर के प्लाट से निकाल दें और जो पार्क रोड वेस्ट के पार्ट प्लाट निकाल दें सारे प्लाट जो हैं यहाँ से चेंज होने वाले हैं उनको कहाँ पर चेंज किया जाएगा टाइम विल टेल अभी सोसाइटी की तरफ तो से ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है बट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन इस प्लॉट को कहीं ना कहीं मूव कर दिया जाएगा बट लेट सी होप फॉर द फ्यूचर के सोसाइटी की तरफ तो से क्या डिसीजन आता है अच्छा अभी चार साइड्स की बात कर लेते हैं नॉर्थ साइड पे इसके फैसल टाउन फेस टू है ईस्ट साइड uh, पे इसके हारनी पार्क ब्लॉक है यूँ करता हूँ नॉर्थ साइड पे इसकी ऊपर वाली साइड पे फैसल्टी ऑन फेस टू ईस्ट साइड पे हार्मी पाक ब्लॉक वेस्ट साइड पे भी लैंड नहीं है सोसाइटी के पास लेकिन मास्टर प्लान पे देखा जाए तो यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से मेन 400 फुट रोड के ऊपर कुछ कमर्शियल रखे गए हैं और यहाँ पे शायद इसका नाम पांडा डिस्ट्रिक्ट हैं क्या डिस्ट्रिक्ट था अभी एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन जब होगा तब बन जाएगा अच्छा वेस्ट साइड पर देखा जाए तो इसके नीचे जी ब्लॉक है जो मुकम्मल लिटिगेशन में है ये ओवरसीज ईस्ट का सबसे ज़्यादा पार्ट जो लिटिगेशन में वो जी ब्लॉक का पार्ट है कब क्लियर होगा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तक सोसाइटी की तरफ से हम पिछले पाँच छः साल से देखते आ रहे हैं ये प्लाट लेटिकेटेड है लेटिकेटेड चलता आ रहा है तो लेट्स सी अल्लाह करे कि जिन मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट है या सोसाइटी उन्हें अल्टरनेटिव दे दे या उनको कहीं डेवलप कर दे उम्मीद की जा सकती है और मेरे हाल में ऐसा होगा भी कि इनको क्लियरस मिल जाएगी ये लीनियर पार्क की जो कटिंग देख रहे हैं ये भी मुकम्मल होगी ये जी ब्लॉक के सामने है जी ब्लॉक का सर्टन पार्ट क्लियर है सर्टन पार्ट नहीं है जो कि आने वाली वीडियो में मैं दिखा दूंगा बाकी सेक्टर एफ़ में ये तमाम चीज़ें बनती हैं इस वक्त बाकी इसका ये रोड इसको लगता है आर वन रोड लीड करता है टुअर्ड्स ए बी सी इंटरचेंज से डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरचेंज से अच्छा खासा डिस्टेंस बनता है एफ का अगर मैं काउंट करूं आज के मोटरवे पे जो आज का इंटरचेंज है जो अभी मतलब जो फ्यूचर में जाके बनेगा रोड उसके हिसाब से बात करें अभी ये कुछ पार्ट मिसिंग है लैंड का तो वो वाला रोड तो एक्सेस चांसेस तो नहीं हो सकती लेकिन सेक्टर एफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक लैंड बनती है सिक्स किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है ऊपर से मैं हूँ अगर घूम के तो पाँच किलोमीटर ऐड कर लें जो राइट नॉक जिस्टेंस रस्ता है उसे पाँच किलोमीटर ऐड कर लें तो ये ओवरऑल इस तक जो एक्सेस रोड बनता है वो यहाँ से इतना ही बनता है ये ओवरऑल इस वक्त आज की डेट तक जो डेवलप पार्ट है सेक्टर एफ का वो यहाँ तक बनता है सो वे दिस वॉज फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट ट्री फैसल टाउन फेस टू किसी भी बुकिंग वाले से मालूमा चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें इसके साथ साथ तो हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा